ऐसा अभी लेते हैं ये Thank you.
कंगना जी, आजकल आप छाई हुई हैं हर दो चार दिन में एक बार यूट्यूब पर मोना होम डिलीवरी, कोई मोना भी धोखे से डालता है तो मोना होम डिलीवरी दिखने लगती है और साथ में कंगना शर्मा के फोटो दिखने लगते हैं, इंटरव्यू दिखने लगते हैं। आज ये सीरीज काफ़ी पॉपुलर होती जा रही है जबकि अभी रिलीज भी नहीं हुई है, बनी रही है। इसमें राजपाल यादव, विजय राज, जाकिर हुसैन सारे के सारे आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, सारे टॉप क्लास एक्टर हैं, और मुकेश तिवारी, और आज बॉलीवुड के सुपरस्टार लेजेंड कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, जिन्हें दो नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, उन्होंने आपके साथ एक्टिंग भी की, आपका गाना कोरियोग्राफ भी किया और आपके साथ डांस भी किया। मैं समझता हूँ इससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता है एक डांसर एक्टर के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी साजन अग्रवाल जी का, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर मोना को ढूंढा और शायद मैं उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से कर भी पाई, बाकी आपको देखने के बाद पता चलने वाला है। मोना होम डिलीवरी अपने आप में लोगों को देखकर पता चलेगा सिर्फ नाम से ही कि हाँ कुछ आने वाला है, जिसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। मैं कह सकती हूँ कि सारे दिग्गज आर्टिस्ट हैं उसमें, जैसे मुकेश तिवारी जी हैं, आप सब लोग देख ही रहे हैं, और आज हमने गणेश आचार्य जी के साथ किया, जो बहुत ही लेजेंड हैं अपनी इंडस्ट्री में, बहुत ही बड़े कोरियोग्राफर हैं, उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया आज। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं अपनी वेब सीरीज में और उनके साथ डांस करने वाली हूँ, तो आज का पूरा दिन बेस्ट गया। और जो लिरिक्स, और हाँ सबसे पहले सॉन्ग की बात करती हूँ, हमारे राइटर कह सकते हैं आप, डायरेक्टर कह सकते हैं, प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं साजन अग्रवाल जी, उन्होंने इतना अच्छा गाना बनाया है कि इतना कैची गाना है कि जब मैंने सुना था तो एकदम से कि हाँ ये, जब मुझे पसंद आया तो मुझे लगता है कि सबको पसंद आने वाला है ये गाना। गाने के एक एक बीट्स बिल्कुल चुन चुन के उन्होंने लिखे हैं, बनाए हैं, और म्यूजिक पे बहुत बारीकी से काम किया गया है, तो बहुत ही मजा आने वाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, आई होप आप लोगों को भी पसंद आने वाला है। और इसी तरीके से आप प्लीज अपना प्यार देते रहिएगा, क्योंकि आपके प्यार की अभी मोना को बहुत जरूरत है। और आज सुना है काफी आर्टिस्ट थे, तो कुछ और बताएंगी कि क्या क्या सीन? सुना है कि मास्टर जी ने कोरियोग्राफी के साथ साथ एक्टिंग भी की आपके साथ। हाँ जी, मुझे भी यही था कि क्योंकि मैंने मास्टर जी को बहुत कम, जैसे एक उनकी पिक्चर आई थी भाई करके कुछ, कोई फिल्म आई थी उनकी, तो सिर्फ उनमें मैंने थोड़ा सा उनका पार्ट देखा था, वो भी मैंने टीवी में देखा था, बट उनको रियल में ऐसे एक्ट करते हुए नहीं देखा था। और जब मैं उनके साथ एक्ट करी थी थोड़ा सा घबराई हुई थी कि मास्टर जी हैं और ऑलराउंडर हैं, डायरेक्टर भी हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, और ऊपर से इतने अच्छे एक्टर भी हैं, तो उनके सामने करने के बाद एक तो उन्होंने इतना कंफर्ट फील कराया कि मुझे ये फील ही नहीं हुआ, बहुत ही मज़ा आया। और बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं गणेश जी, सीरियसली बहुत मज़ा आया उनके साथ आज काम करके, आई एम रियली हैप्पी। बाकी एक्टरों के बारे में कुछ बताएंगे? जी, एक हमारे बद्रू जी हैं जो मेरे साथ में हैं, जो पूरी सीरीज में मेरे साथ रहते हैं, और आज राजू खेर जी ने भी हमारे साथ काम किया है, उनके साथ भी काम करके मज़ा आया, उन्होंने बिल्कुल एक्टिंग में इतनी जान डाल दी कि सामने से एक्टिंग निकल निकल के आती है। मतलब सारे ही एक्टर ऐसे हैं कि जिनके साथ काम करने में एकदम मैं बोल सकता हूं कि बहुत अच्छा लगा। एक हमारे लाफ्टर टू के रनर अप राजीव निगम जी, यस 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 यस, वो तो कमाल के हैं, उनके जो फेस एक्सप्रेशंस हैं एक एक डायलॉग के साथ, ओह माय गॉड, ऑसम। और इन सब लोगों के साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि पहले मैं सोचती थी कि एक्टिंग इज जस्ट रिएक्शन, ऑपोजिट रिएक्शन, बट आज पता चला कि इट्स अ रियलिटी। और जैसे हम बात करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं, उनके सामने ऐसे ही मुझे फील हुआ आज एक्टिंग करने के बाद कि हम नॉर्मल बस एक बात कर रहे हैं, कुछ भी फील नहीं हुआ कि वी आर डूइंग एक्टिंग और समथिंग लाइक दैट, तो बहुत कम्फर्ट फील कराया सब लोगों ने और बहुत मज़ा आया। और मोना होम डिलीवरी एक वेब सीरीज नहीं है, मैं तो अब इतने एक्टरों के साथ काम करने के बाद यही कहूंगी कि ये पूरे आर्टिस्ट का शोरूम है, एक्टरों का शोरूम है, जितने भी एनएसडी पास आउट हैं, जितने भी एक्टर्स ने एनएसडी किया है, वो सब के साथ मैं काम कर रही हूँ। और आज लास्ट का एपिसोड था, मुझे लगता है कि पूरी मार्केट में मोना होम डिलीवरी हो रहा है और होने वाला है रिलीज होने के बाद भी। और अभी ये लास्ट का हमारा एपिसोड था, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं राजेश शर्मा जी के साथ, अगेन ही इज एनएसडी पास आउट, तो मुझे लग रहा है उनके साथ भी काम करके बहुत ही मजा आने वाला है, आई एम रियली एंजॉयिंग माय सेल्फ, एंड थैंक्स टू साजन अग्रवाल जी, थैंक यू।
मेरा नाम है साजन अग्रवाल और मेरे साथ बैठी है कंगना शर्मा। बचपन में जब मैं बहुत छोटा था तो मैंने सोचा था, सपना लेकर आया था कि बॉम्बे जाऊंगा और फिल्मों में कुछ करूंगा। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मेरा डेट ऑफ बर्थ 72 है और 75 में एक फिल्म आई थी जिससे इंडस्ट्री के लेजेंड मिस्टर बच्चन सुपरस्टार बने थे, एंग्री यंग मैन, जंजीर। उसमें एक डायलॉग था बहुत ही लेजेंड विलेन अजीत साहब का, मुझे तो चीज बहुत पसंद है, एक तो मोना और एक मोना के साथ सोना, मोना डार्लिंग, मोना डार्लिंग। वहीं से मेरे कानों में बचपन में वो आवाज पड़ी और इस एज में आकर वो क्लिक हुई और मैंने एक कहानी सोची जिसका नाम है मोना होम डिलीवरी। और जब कंगना मिली तो मुझे लगा कि मुझे मोना मिल गई है। और तो मतलब आप सेटिस्फाई हो कि आपको मोना करेक्ट मिल गई है? डेफिनेटली मोना नहीं, और मैं ये नहीं कहूंगा कि मोना, वो बहुत अच्छी ह्यूमन है, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं। 7 एपिसोड हम शूट कर चुके हैं। पहला एपिसोड इतनी एक जर्नी है उस पे है, दूसरा एपिसोड हम शूट करेंगे राजेश शर्मा जी के साथ, तीसरा एपिसोड राजपाल यादव साहब ने शूट किया है, चौथा एपिसोड हमारा मुकेश तिवारी जी ने शूट किया है, पांचवा एपिसोड जाकिर हुसैन साहब का है और छठा एपिसोड साहिल करके एक हमारे मित्र हैं, टीवी आर्टिस्ट हैं, अच्छे एक्टर हैं बहुत। उसके अलावा न जाने अनगिनत मेरे फ्रेंड्स, मेरे पारिवारिक लोग, प्रतिमा काजमी जी, बदरुल इस्लाम, राजीव निगम, राजू खेड़ साहब, मनोज संतोषी जो इंडस्ट्री के टॉप राइटर हैं, भाभी जी घर पे लिखते हैं, सब एनएसडी वाले, एनएसडी और थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं सारे हमारे। एक एक एपिसोड में मिथिलेश चतुर्वेदी जी ने एक सीन किया है, मुझे लगता है कि आधी दुनिया हिला देंगे वो जिस दिन वो एपिसोड हमारा आएगा। मतलब 80 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिया जो 20 साल का लड़का नहीं करता। और आज का एपिसोड, उसके बाद 7वां एपिसोड हमारा विजयराज जी ने किया। विजयराज मतलब आप समझ सकते हैं कि वो मेरे भाई हैं, समझिए, और क्या एक्टर हैं, वो पूरी दुनिया जानती है, मैं बताने की जरूरत नहीं। और आज लेजेंड मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त गणेश आचार्य, कोरियोग्राफर, 2 नेशनल अवार्ड विनर उन्होंने किया। कंगना के फैनों के गए हैं स्पेशली, मैं उनको अभी छोड़ने गया था गाड़ी से अपनी फेरी तक, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता होता है और मास्टर जी अंधेरी में रहते हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही मुझसे कि साजन शायद मैं ये एपिसोड करता नहीं करता, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने रिहर्सल की थी कल। बोले ये लड़की स्टार है, कल की स्टार है, बहुत अच्छा नाचती है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। और मुझे उन्होंने थम्स अप दिखाया, मैंने बेस्ट ऑफ लक। और मास्टर जी ने इसमें एक्टिंग की है, डायलॉग बोले हैं, परफॉर्मेंस दी है और डांस भी किया और गाना भी कोरियोग्राफ किया है। तो ये मेरे लिए भी अचीवमेंट है, कंगना के लिए भी अचीवमेंट है। इतने इतने लोग, इतने बड़े बड़े एक्टर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने हमें प्यार दिया और मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मैंने जरूर इस इंडस्ट्री को टाइम दिया है थोड़ा सा, लेकिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, प्यार दिया, और जितना हमने प्लान किया था उससे कहीं ज़्यादा प्यार मिला है एक्टरों का, टेक्नीशियंस का, लोगों का। तो बड़ा मजा आ रहा है और कंगना के साथ और सेम साजन जी के साथ बहुत मजा है। और हमें ये चाहिए कि आप लोग भी हमें उतना ही प्यार करें जितना यहाँ पे सारे लोग जितना हमें प्यार करें, और जितनी शिद्दत से हमने काम किया है, तो हमें लगता है कि आप लोगों को उसे सराहना चाहिए और उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। कंगना का नाम 1 महीने बाद लोग कंगना के नाम से नहीं, इसको मोना के नाम से, और ये कॉम्प्लीमेंट है। और बहुत सारी वेब सीरीज आ रही है, आप देख रहे हो बहुत सारे एप्स पे, लेकिन ये हमारा उल्लू है, कुछ कमाल करेगा, दी बेस्ट होने वाला, और ऐसी वेब सीरीज इस लेवल की और इतने बड़े एक्टरों के साथ, एक्टरों के साथ, स्टारों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कुछ नया देना है। तो जो हुई है ये चमत्कार होने वाला है और आप इंजॉय कीजिएगा। लेकिन जब जब आप उल्लू ऐप पर हमारी ये वेब सीरीज देखें, तो कंगना के या मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे जाकर हमें कमेंट्स जरूर दें। Instagram कंगना शर्मा 16, Facebook कंगना शर्मा, that's it, and Ullu app, yes, please download Ullu app. Thank you very much.